আমার এই তপসিয়া থেকে কয়েজখানের এরিয়া থেকে এই জিম থেকে এমন ছেলে তৈরি হবে যে বাংলার কমনওয়েলথ গেমস এশিয়ান গেমস এই গেমসে গিয়ে এই তপসিয়ার ছেলে সে গোল্ড পাবে এই আশা নিয়ে আজকে আমি এই জিমে পা দিয়েছি। यहाँ पे जो जिम खोला है इसकी जो आज यहाँ इनॉग्रेशन हो रही है जहाँ पवन बैनर्जी भी आए हैं मैं भी आया हूँ तो ये अपने आप में बहुत फ़ख्र की बात है कि आज तोपसिया जैसे इलाके में जिसको पिछड़ा हुआ समझा जाता था आज उस इलाके में इतना एक मॉडर्न जिम और जिसको बोलते हैं बेस्ट इक्विपमेंट और जिम सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं कर डिमांड है मार्केट में जिस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आज ये जिम खुला है। ये नेत्री नाम মমতা ব্যানার্জি ला इला इल्लाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोटी घाटे जुटी फूल बांग्ला बचावे दीनमूल सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कदम कदम बढ़ाया जा खुशी का गीत गाया जाए। नमस्ते। महानगर के तोपसिया इलाके में जिम्स की चेन चलाने वाले आयरन एरिक जिम ने आज अपना तीसरा जिम भी शुरू कर दिया है। 36/3 तोपसिया रोड अफजल बिरयानी के नजदीक ओपन हुए इस जिम में पुरुष और महिलाएं दोनों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और सीएम মমতা ব্যানার্জি के छोटे भाई बाबुन बैनर्जी और वार्ड नंबर 66 के डायनेमिक काउंसलर फैज अहमद खान के हाथों इस जिम का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर दोनों ही ने युवाओं से अपने फिटनेस पर जोर देने की बात कही। वहीं इस जिम के ओनर्स को लगातार जिम की चेन खोलने पर मुबारकबाद पेश की। वहीं आपको बता दें कि इस जिम में महज 6,800 रुपए देकर कोई भी पूरे एक साल का मेंबरशिप ले सकता है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बड़े और लेटेस्ट फिटनेस मशीन उपलब्ध हैं, जिसके बिना कोई भी जिम अधूरा होता है। इतने ज्यादा हेल्थ में कॉन्शियस हो रहे हैं इस बात की गवाही दे रही है आज आई लव एडिक्ट क्लब और शाहनवाज भाई और शाहनवाज भाई के भाइयों ने जो तोपसिया की सरजमीन में ये यहाँ पे जो जिम खोला है इसकी जो आज यहाँ इनॉग्रेशन हो रही है जहाँ पवन बैनर्जी भी आए हैं मैं भी आया हूँ तो ये अपने आप में बहुत फख्र की बात है कि आज तोपसिया जैसे इलाके में जिसको पिछड़ा हुआ समझा जाता था आज उस इलाके में इतना एक मॉडर्न जिम और जिसको बोलते हैं बेस्ट इक्विपमेंट और जिम सिर्फ इक्विपमेंट से नहीं कर डिमांड है मार्केट में जिस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आज ये जिम खुला है ये अपने आप में बहुत जिसको बोलते हैं कि अच्छी बात है। आपके वार्ड में बहुत सारे जिम हैं आज एक और नए जिम का इजाफा हुआ क्या इससे मान लें कि जो यूथ है वो फिटनेस फ्रीक हो रहे हैं अपने फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा। देखिए हेल्थ कॉन्शियस तो होना चाहिए ये सुन्नत है कि इंसान को जो है बहुत लोग नहीं जानते हैं कि अपने आप को फिट रखना भी सुन्नत में चलने के बराबर है तो ये सुन्नत एक सुन्नत भी है और आज लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को फिट रहने की तो उस फिटनेस के लिए आज जहाँ शहर कलकत्ता इतना आबादी बढ़ गया है और पॉपुलेटेड हो गया है डेंसली पॉपुलेटेड एक शहर है वहाँ अब खुला इलाका खुले मैदान इन चीज़ों की कमी है तो अब क्या है कि अब जिम के जरिए इक्विपमेंट्स के जरिए लोग अपने आप को फिट रखते हैं और एक मॉडर्न साइंस का एक पार्ट है जहां लोग एक रूफ के अंदर आकर के अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। कुछ देर पहले आपने ये बोला कि बनर्जी फैमिली और खान फैमिली का जो रिश्ता है हम चाहेंगे थोड़ा हिंदी में हमारे व्यूअर्स के लिए बोलें। मैंने जो बात रखी थी बाबुंदा के बाद से मैंने उनके बातों से बात पकड़ा कि बाबुंदा ने कहा कि मैं कभी खान हो सकता हूँ और आप कभी बैनर्जी हो सकते हो तो मैंने कहा आप हो नहीं सकते हो हम लोग हैं क्योंकि सियासत के मैदान में अगर मेरी पहचान है तो पहचान कहाँ से है बैनर्जी परिवार से है और तृणमूल कांग्रेस से है और कालीघाट से है तो आज मेरे वालिद साहब को दीदी जो है हमारी मुख्यमंत्री মমতা ব্যানার্জি भाई फोटा देती हैं राखी बांधती हैं और मैं उनको बचपन से ही जो है पीसी बोलता हूँ आंटी बोलता हूँ तो हम लोग परिवार हो नहीं है हैं ऑलरेडी है आज से नहीं जब दीदी जुबो कांग्रेस की ये मैंने प्रेसिडेंट थी कांग्रेस के ज़माने से ही मेरे वालिद साहब दीदी के साथ थे और जब गोधरा का कांड हुआ था जब तमाम लोगों ने सोचा था कि अब बीजेपी के अलायंस में तृणमूल को वोट नहीं मिलेगा और बहुत सारे मुसलमान सियासतदान तृणमूल छोड़ छोड़ करके कांग्रेस चले गए थे उस वक्त वाहिद मेरे वालिद साहब थे जावेद अहमद खान साहब जिसने মমতা ব্যানার্জি को ये कहा था कि मुझे मेरा वोट मेरे काम से मिलता है और
मेरी मुसलमान या हिंदू होने से नहीं मिलता है। मैं तृणमूल छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तृणमूल में ही रहूंगा, और मैं हारूं या जीतूं मैं तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी को छोड़ के नहीं जाऊंगा। আমি একটাই ভাবনা চিন্তা করছি যে আয়রন এথ্রির পক্ষ থেকে তিনজন ভাই তিনটে জিম হয়ে গেছে, তার কাছে আমরা এসছি সেলিব্রিটি হিসেবে না, আমরা ওর পরিবারের পাশে পরিবারের মতো করে এসছি। আজকে আমি ন্যাশনাল গেমসে গেছিলাম, ন্যাশনাল গেমসে বাংলায় 13টা গোল্ড, 14টা সিলভার এবং 17টা ব্রোঞ্জ পেয়েছে বাংলা। যেখানে আমরা 19-এ ছিলাম সেখানে 12-এ এসছি। আমার এই তপসিয়া থেকে, ফয়েজ খানের এরিয়া থেকে, এই জিম থেকে এমন ছেলে তৈরি হবে যে বাংলার কমনওয়েলথ গেমস, এশিয়ান গেমস, এই গেমসে গিয়ে এই তপসিয়ার ছেলে সে গোল্ড পাবে, এই আশা নিয়ে আজকে আমি এই জিমে পা দিয়েছি। এবং এই জিম যাতে সাকসেসফুলি হয়, সেই সাকসেসফুলি হওয়ার জন্যে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আজকে প্রতিটা স্পোর্টসের জায়গায়, আজকে আমি বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট, বেঙ্গল অলিম্পিকের 34টা অ্যাসোসিয়েশনকে প্রতি বছর 5 লক্ষ টাকা করে অনুদান দেয়, তবেই বাংলার স্পোর্টস আজকে এগিয়ে চলেছে। আজ সেই স্পোর্টসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই আজকে তপসিয়ায় এই জিম উদ্বোধন হলো। এই উদ্বোধনের পরে নতুন সিস্টেমের অনেক জিনিসপত্র এখানে এসছে, যে জিনিসপত্র আগে অনেকে দেখেনি, সেই নতুন সিস্টেমকেই নিয়ে এসে যাতে বাংলার ছেলে মেয়েরা ভালো জায়গায় যেতে পারে, তার জন্য আমার ফয়াজ ইভেন জাভেদ খান এবং মমতা ব্যানার্জির প্রচেষ্টা যাতে বাংলার জয় জয় কারো। আর কিছুদিন আগে আমাদের অঞ্চলের একটা মেয়ে এশিয়ান গেমসে গোল্ড পেয়েছে টাইকন্ডুতে, সেটাও কিন্তু তপসিয়ার একজন মেয়ে। তে অনেক আছেন এখনও যারা ন্যাশনাল খেলেছেন, আমাদের হকি এখন চলছে তপসিয়াতে, আন্ডার 13 আন্ডার 15 ন্যাশনাল খেলে হকি রিপ্রেজেন্ট করেছেন, আর এখন ন্যাশনাল খেলে কি একটা টাইকন্ডু গ্রুপ আছে আমাদের, তারাও কিন্তু সিলভার আর গোল্ড মেডেলটা জিতেছেন, কিছুদিন আগেই আমরা তাদেরকে ফেলিসিটেট করেছি। তো অনেক কিছু তপসিয়ার মধ্যে হচ্ছে, কিন্তু অ্যাওয়ারনেসটা মানুষকে না ক্রিয়েট করলে মানুষ জানেন না। তপসিয়ার কোনো পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ডের মধ্যে নেই, তপসিয়া সব থেকে যাকে বলা যায় এখন ফাস্ট ডেভেলপিং ওয়ার্ডের মতন একটা জায়গা, যেখানে সমাজের, আমি বলছি মিনি ইন্ডিয়া, এই দৃশ্যটা কোনো অন্য ওয়ার্ডে আপনি পাবেন না। আপনি বিহালাতে গেলে একটা শ্রেণীর লোককে পাবেন, আপনি যদি চলে যাবেন তিলজেলাতে আপনি হিন্দি বাসীদের পাবেন, কিন্তু তপসিয়া এমনি একটা ওয়ার্ড 66, যেখানে চীনা পাড়ায় চাইনিজ বুদ্ধিস্টকে পাবেন, আবার তিলজেলা রোডে হিন্দুস্তানি ইউপি ভাইদের পাবেন, আবার পিকনিক গার্ডেন কলোনি বাজারে আপনাদের বাঙালি ভাইদের পাবেন, আর তপসিয়াতে আপনাদের মুসলমান মাইনরিটি কমিউনিটির লোকেদের পাবেন। সেই কারণে মিনি ভারতবর্ষ আমাদের ওয়ার্ড, আর আমাদের ওয়ার্ড 144টা ওয়ার্ডের মধ্যে একটা অন্যতম ওয়ার্ড। সেই জন্যই এই ওয়ার্ডে নেত্রীর নাম মমতা ব্যানার্জি, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ, প্রতিঘাতে দুটি ফুল, বাংলা বাঁচাবে তৃণমূল, সারে জহাঁ সে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা, কদম কদম বড়ায় যা খুশি কা গীত গায়ে যা। নমস্তে। যে জিম খোলা হ্যাঁ আমারা, আলহামদুলিল্লাহ হম লোক কাফি খুশ হ্যাঁ। ইয়ে সিফ ফিনান্সিয়াল রিজন কে ওজা সে নেই খোলা হ্যাঁ, ইনকম আপ আর ভি বিজনেস সে কর সকতে হ্যাঁ, পর হেলথ ফিটনেস জিম ক্লাব এক এসা জগা হ্যাঁ, যা আদমি আপনে আপকো বাহার সে অর অন্দর সে দোনো জগা সে সঁভারতা হ্যাঁ, যাঁ পে ডায়াবেটিস, কোলেস্ট্রল, হার্ট অ্যাটাক ইতনা কমন ফেনোমেনা হ্যাঁ, যো হামারে আপকে ঘর মে বুজুর্গো কো, ঘর কি ঔরতো কো বহুত কমনলি হো রহা হ্যাঁ। ইয়ে ও অ্যাওয়ারনেস হ্যাঁ, ইয়ে ও জগা হ্যাঁ, যাঁ পে আপ ইয়ে সব বিমারি সে ইনশাল্লাহ নিজাত পাতে হ্যাঁ, ডক্টরস বগেরা ও আপকো 10-10 হাজার কা টেস্ট লিখ সকতে হ্যাঁ, বট যো সহি জরিয়া হ্যাঁ আপনা হেলথ কো ফিট রখনে কা ও জিম হ্যাঁ। জেসে ফয়েজ ভাই অভি আয়ে থে আলহামদুলিল্লাহ, উনোনে ভি বোলা কে ফিটনেস জো হ্যায় ও সুন্নত হ্যাঁ, হম লোগো কো ইস সুন্নত কো আম করনা চাহিয়ে ইনশাল্লাহ, আর ফির জিম কো আপ লোগ বড়াওয়া দে, জাদা সে জাদা লোগো কো আমন্ত্রিত করে কে ও ভি ফিট হো আর আপ ভি ফিট হো ইনশাল্লাহ। লেডিস কে লিয়ে ভি কুছ ইন্তেজাম জি, হামারে পাস লেডিস কা সেপারেট টাইমিং হ্যায়, ক্যা টাইমিং ও হ্যায়, 12 বজে সে লেকে 2 বজে তক দোপহর মে, আর হামারা আর এক জিম কুষ্টিয়া মোড় মে ভি হ্যায়, वहाँ पे हम लोगों ने टाइमिंग रखा है 3:30 से 5:30, तो जो लेडीज़ 12 बजे से 2 बजे 2:30 बजे तक फ्री होती है वो यहाँ आ सकती है,
जो 2:30 बजे के बाद खाना वाना बना के 3:30 बजे फ्री होती है वो वहाँ जा सकती है। और साथ ही साथ हम लोगों ने लेडीज़ के लिए खास करके एक और फ़ायदा रखा है कि आप कोई भी जिम में आप एडमिशन कराते हैं, आप सभी जिम में हमारे आप जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट यू आर अ मेंबर ऑफ दिस जिम यू कांट गो टू दैट जिम, ऑब्वियसली यू कैन। हमारा सबसे पहला जिम 2017 बानी टायर्स तोपसिया जिन मस्जिद के पास खुला था आयरन एडिक जिम 1 के नाम से। 2019 10 नवंबर आयरन एडिक जिम 2 कुस्टिया मोड़ के सामने, और आयरन एडिक जिम 3 2022 15 नवंबर को खुला, और अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ भाई और बाबन बनर्जी साहब के हाथों से खुला, तो इसका हमें बहुत खुशी है। मेंबर के लिए चार्जेस कैसे हैं? देखिए अभी जनरली हमारे जिम में, मैं पहले एक डायरेक्टली तारीफ़ करना चाहूँगा अपने जिम का। हमारे जिम में कुछ कुछ ऐसा इक्विपमेंट है, जैसे अगर आप वहाँ पर बढ़ाइएगा कैमरा को तो आप देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स है जो उन जिमों में है जो ईयरली 15,000-18,000 चार्ज करते हैं, बदले में आप लोगों को वो फैसिलिटी मिलता है। हमारे यहाँ वही चीज़ आपको 8,500 में मिलेगा पैकेज, और जस्ट मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया इट्स नॉट बिकॉज ऑफ फिनंशियल रीज़न ओनली, इट्स बिकॉज ऑफ एन अवेयरनेस रिगार्डिंग हेल्थ एंड फिटनेस वी हैव प्रोमोटेड दिस जिम, इसलिए हम लोग ये पैकेज को और भी कम करके ईयरली 6,800 रुपये में किए हैं। 6 मंथ्स को हम लोग ने और कम किया, उसको 4,500 में किया, और 3 मंथ्स को 2,800, और साथ ही साथ इसमें कोई भी एडमिशन फ़ीस आपको अलग से देना नहीं पड़ेगा। 6,800 रुपये ईयरली फीस है 6,800, 6 मंथ्स है 4,500, 3 मंथ्स है 2,800, एंड नो एडमिशन चार्ज। और ये है नो एडमिशन चार्ज सिर्फ अभी के लिए नहीं, कभी भी हम लोग एडमिशन चार्ज नहीं लेते हैं। इवन हमारे प्रीवियस जिम में भी हम लोग ने कभी भी अलग से एडमिशन चार्ज नहीं लिया है। हम लोगों के पास कोई मंथली चार्जेस नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मानना है फिटनेस को एक महीना का खेल नहीं है कि आप आएँ एक महीना का एडमिशन लिए और आप फिट हो गए। ये एक लाइफस्टाइल है और आप अडेप्ट कीजिए ये लाइफस्टाइल को।